हेयर स्टाइलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट है और उसको सीखना, उसको अच्छी तरह बालों को सेट करना, मैंने बहुत इसके बारे में प्रैक्टिस किया और आज मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट हेयर स्टाइल के ऊपर कोशिश करने वाला हूँ। सो लेट्स ट्राई दैट। बाल सेट हो गए हैं, एकदम सेट है, इस बाल हिलना चाहिए कोई। कैसा लग रहा भाई? बहुत बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। हाँ, ऐसी बाल सेट करके रहना, हिलाना नहीं, कितना भी हवा आएगी बाल उड़ेगा नहीं तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तेरे को नंबर दिया हुआ था, लोगों की बात सुनता है कि नहीं सुनता तू? सर रात को फोन आता है, सुबह सुबह फोन आने लगता है, एकदम 6 बजे उठा नहीं रहो तो भी फोन करते हैं, 4 बजे फोन कर देते हैं, कभी 1 बजे फोन करते हैं, इतना परेशान हो गया, इतना कि कहने वाली बात नहीं। तो मेरे को भी तो फोन आते हैं लोगों के, मैं भी तो सुनता हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर आपका जो है अलग दिमाग है, आपको इतना ये है, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है ना, हम उतना झेल नहीं पाते। तो कर भी काम, अभी दूध बेचता है तू, मेरा मैनेजर बन के नीचे खड़ा होता है तो फिर दूध पिया कर। आपकी बात मैं मानता हूँ लेकिन इतना मेरे से नहीं होता, हर दम 1 बजे रात को फोन आ जाता है कि ऐसा है ये काम, कुछ काम करते रहता हूँ, हेलो ये सर है कि नहीं, सर कहाँ गए हैं, मेरे को अभी बताओ, मेरे को अर्जेंट है, अभी मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ये करके दे देंगे सर, आप लोग पहुँचाते नहीं, मैसेज ऐसा है वैसा है। तो बेटा लोगों की सेवा तो करनी पड़ेगी ना तेरे को। सर मैं करता हूँ जितना हमसे होता है, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ हो जाता है। क्या फिर फोन आ गया तेरे को मदद का? वही सब फोन ही फोन रहता है आपका ही, देखो इसमें नंबर नहीं कोई। उठा फोन, हेलो, हाँ सर बाद में मिलेंगे तो मैं कॉल करता हूँ आपको। क्या हूँ तो अभी यही काम कर बेटा, तो अभी दूध पानी छोड़ भेजना और अभी यही काम कर लो। सर इतना कॉल आता है कहाँ से? वो बोलता है मैं एक लड़का यहाँ आया मिल के गया, वो बोलता है कि हमारा काम हो गया तो उसका चाचा ने फोन किया कि सर ने उनका काम करवा दिया, मेरा भी काम करवाओ। कहाँ से? उड़ीसा से। तो ठीक है, आप उनके ये बोल रहे हैं, मैं बोला सर मेरे को मालूम नहीं, मेरा नंबर ही नहीं है।